अगर आप सी टेट यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे गए हैं इस चीज़ को दिया गया है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से एम विद रोहित चौहान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज जनरल नॉलेज की बेहद टॉप 100 क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इस चीज़ को आप ज़रूर देखिए। और फ्रेंड्स, इससे पहले हमारी एक जनरल नॉलेज की वीडियो बनी हुई है जो ऊपर आई बटन पे एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाइए, उसको आप देखिए और इसके बाद इस वीडियो को भी देखिए जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके साथ साथ प्लीज़ प्रेस बेल आइकन to get latest update from our channel। और इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, हमारे description पे यूपी टैट, सी टैट, मैथ की ट्रिक्स, इंग्लिश की वीडियोस, मोटिवेशन वीडियोस, ये सब पड़ी हुई हैं, तो इन सबको जाइए वहाँ पे आप देखिए। और इसके साथ साथ कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी बनी है, और मिलते हैं वीडियो के अंत में। वही सबसे तेज चलता है जो अकेले चलता है। जी, वही सबसे तेज चलता है जो अकेले चलता है। एक बार फिर से एम विद रोहित चौहान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज जनरल नॉलेज की ये दूसरा पार्ट है, और इससे पहले जो पार्ट है ऑलरेडी हमारे आई बटन पे लगा हुआ है, वहाँ पे आप जाइए, उसको आप देखिए। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस चीज़ को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एड्स का पता लगाने के लिए हम एलिसा परीक्षण करते हैं, तो सबसे पहले चीज़ बताते हैं एड्स। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये एचआईवी वायरस के द्वारा होता है। और एड्स का टेस्ट की पता, एड्स को पता लगाने के लिए हम एलिसा टेस्ट का परीक्षण करते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हमें एड्स पता करना हो तो हम एलिसा टेस्ट को हम रिकमेंडेड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे कठोर धातु है वो प्लेटेनियम है। ठीक है, चलिए। अक्रिय गैस की खोज रेमजे ने की। लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल, ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है, और खून इसी की वजह से लाल होता है। आपको पता होगा हेमोग्लोबिन की वजह से खून हमारा लाल होता है। और एक आपका होता है लिम्फोसाइट, वो वाइट ब्लड सेल होता है, वो रोगों की वो प्रतिरोध करता है। हमारे शरीर में जो वायरस आ जाते हैं, बीमारी जाती, उसको वो कंट्रोल करता है, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। कौन? लिम्फोसाइट, वाइट ब्लड सेल, सफ़ेद रक्त कोशिका, और ये है लाल रक्त कोशिका जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। बात कर लेते हैं अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा मतलब होती है एसिड रेन। ठीक है, देखिए ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। ये देखिए, ये दोनों जो आइटम हैं, मींस सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों के मिक्सर से एसिड रेन होती है, और अम्ल वर्षा कहते हैं हिंदी में उसे। ठीक है, और एसिड जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। एसिड रेन मतलब अम्ल वर्षा जो है, ये ताजमहल हमारा बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है उसकी वजह से उसकी जो मीनारें हैं वो पीली कलर की होती जा रही हैं, जबकि वो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ ताजमहल है। ठीक है, तो
बता दूं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये इनकी वजह से अम्ल वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं। एटीपी, एमिनो ट्राइफॉस्फेट का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में। मैंने आपसे कहा था जो एक सेल का एनर्जी हाउस जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है, तो उसको जानने के लिए हमारी इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर देखिएगा दोस्तों। वो वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं में, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी टेट, सी टेट, किसी भी परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो इन वीडियो को ज़रूर ज़रूर देखिए। लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित होता है, ठीक है। तो लीवर में कौन से हम वर्क स्टोर किया जाता है, विटामिन ए। चलिए, विटामिन बी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं हवाई जहाज। हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लग जाती है, क्यों निकलने लग जाती है, इसका कारण होता है वायु दाब में कमी, मतलब कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसमें कमी हो जाती है, इसलिए जो पेन की जो स्याही होती है वो निकलने लगती है। आतिशबाजी में हरा रंग, ये बैरियम के कारण होता है। आतिशबाजी में जो हरा रंग आपने देखा होगा वो बैरियम के कारण होता है, तो इस चीज को आप बिल्कुल पॉइंट आउट कर लीजिएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों लेट सलाह दे, क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल है वो अधिक हो जाता है, है ना, मतलब कि वो डिस्टेंस, मतलब कि एक लेटा हुआ शरीर वो जा काफी जगह कवर करता है, तो इसलिए क्या है दाब कम हो जाता है। अगर वो सीधे खड़ा रहेगा तो एकदम वो उसमें समा जाएगा। सबसे हल्का तत्व कौन सा है दोस्तों, हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन जो है, मतलब अगर हम सूर्य की बात करें, वो एक हाइड्रोजन गैस का गोला है, मतलब कि H2H2, और जब H2H2 आपस में मिलते हैं तो हीलियम बन जाता है। जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे तो इसमें बहुत सारे हीट, लाइट और केमिकल ये सब निकलेगा। और बता दूं आपको कि जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो हीलियम बनते हैं, और जब हीलियम हीलियम आपस में मिलेंगे तो कार्बन बनेगा। अब आप बात कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन मिलेगा तो क्या होगा, दोस्तों ऐसा है कि कार्बन कार्बन मिलेगा तो सूर्य जो है ये अपने आप विलुप्त हो जाएगा, सूर्य अपने आप बुझ जाएगा। तो अभी जो प्रक्रिया चल रही है वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन की वजह से चल रही है। बात कर लेते हैं आपको जगाना, ये मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य, जो बच्चे सो रहे हैं उन्हें लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, सिस्टम वही है, समय बहुत कीमती है, समय का सदुपयोग करिए तो आप हमेशा हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। लोग करते अरे अभी तो बहुत समय है, पेपर आएगा तब कर लेंगे, गागे करते रहेंगे और वो रोते रह जाएंगे, इसलिए आगे बढ़ो, मेहनत करो, हिम्मत लगन मेहनत से ही सपने साकार होते हैं, तो मेहनत लगातार करिए, अपने जोश बनाइए, लगन लगाइए और जागिए। चलिए बने रहिएगा एम विद रोहित चौहान चैनल का, ठीक है, आपको जगाता रहूंगा और ना ही किसी को सोने दूंगा बिल्कुल भी। चलिए बात कर लेते हैं मलेरिया। मलेरिया एक परजीवी होता है, उसको नष्ट करने के लिए हम क्लोरोक्विन की दवा लेते हैं। आपको पता होगा कोरोना वायरस है ना, कोरोना वायरस में भी बहुत तेज बुखार होता है, तो अभी डॉक्टरों ने ऐसा कहा है कि क्लोरोक्विन दवाई लेने से बहुत ज़्यादा आराम मिली है, तो अपने भारत जो है सबसे ज़्यादा क्लोरोक्विन दवाई बनाता है, उसने अमेरिका जैसे देश में इसको बहुत सप्लाई की हुई है, ठीक है। तो जब भी हम मलेरिया की बात करेंगे तो क्लोरोक्विन दवाई दी जाती है, अभी तो कोरोना वायरस में ये बहुत सफल इसका इलाज रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं लेजर। लेजर की खोज किसने की, इसे मेमे ने की थी ये, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि पत्थर की कठोरता को किसमें नापते हैं, आपका उत्तर होगा मोह में नापते हैं, मोह मोह कह दीजिएगा बस, ठीक है। बात कर लेते हैं डीडीटी।
डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डीडीटी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आपका उत्तर होगा डाइक्लोरो डाइफेनाइल टाइट्राक्लोरो इथेन, है ना। जैसा बड़ा नाम वैसा बड़ा काम। ठीक है, फिर से बता दूं कि डीडीटी का फुल रूप होता है, पूर्ण स्वरूप उसका होता है, फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनाइल टेट्राक्लोरो इथेन। ये देखिए यहाँ पर, ये साफ साफ यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। अब बात कर लेते हैं सबसे हल्की धातु कौन सी है, आपका उत्तर होगा लिथियम। ठीक है, सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक पर आधारित होता है। बिल्कुल सही बात है ये, है ना, मतलब कि एटॉमिक नंबर पे होता है। जैसे आप कह लीजिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, आप बोलेंगे नंबर वन होता है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, ये वृषभ में होता है, वृषण में होता है सॉरी। बात कर लेते हैं सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर गैस मिलाई जाती है, क्योंकि ये क्या है, उस लाइट को ठंडा बना के रखती है। देखिए हीट सब छोड़ती है। अगर मैं एक साधारण बल्ब की बात कर लूं, वहां पर एक टंगस्टन नाम का एक एलिमेंट धातु यूज किया जाता है, वो क्या है, बल्ब को बहुत गर्म कर देता है। तो उसमें भी हम आर्गन लाइट गैस का इस्तेमाल करते हैं, और आर्गन गैस क्या है, उस चीज को ठंडा बनाए रखती है, कभी उस चीज को वो गर्म नहीं होने देती है। अब बात कर लेते हैं स्वस्थ जो मनुष्य के शरीर का तापमान फॉरनाइट स्केल पर 98.6 फारेनहाइट होता है, और अगर मैं केल्विन की बात करूं वो 313 केल्विन पे होता है, अगर मैं डिग्री सेल्सियस की बात करूं 37 डिग्री सेल्सियस पे होता है। समझ में आया दोस्तों, अगर फॉरनाइट की बात करूं तो 98.6 फारेनहाइट होता है, अगर मैं डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, सेल्सियस होता है, और अगर मैं केल्विन की बात करूं तो वो 313 केल्विन उसका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल का शुद्धिकरण ये क्लोरीन के द्वारा होता है। अगर जल आपका कहीं गंदा हो, गंदा जल हो, दूषित जल हो, उसको शुद्ध करने के लिए हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो वो थे आपके विलियम रॉन्टजन थे, नहीं सॉरी विलियम हार्वे थे, विलियम रॉन्टजन शायद वो एक्सरे के थे, शायद मतलब एक्सरे के ही थे विलियम रॉन्टजन, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कार्य ही सफलता की बुनियाद है, मैंने आपको मेरी एक मोटिवेशन की वीडियो है वहीं से मैंने निकाला हुआ। मुझे ऐसे लगता है कि जो बच्चे इस चीज़ को वो हल्के में लेते हैं ना, वो इस चीज़ को भारी में जरूर लीजिएगा ये, और किसी भी चीज़ को अच्छे से अच्छे के रूप में कोशिश करने कीजिए। तो कार्य ही सफलता की बुनियाद होती है, तो कार्य करिए आप 100 और 101% आप सफल होंगे। जब तक आप वर्क नहीं करेंगे, मैं इस चीज़ को क्यों जोड़ देता हूँ ये, क्योंकि अब आप जाग जाइए, अब आपका समय हो गया जागने का, मेहनत करिए और खूब अच्छे से मेहनत करिए। चलिए बात करते हैं नायलॉन, नायलॉन प्रयुक्त कच्चा पदार्थ के लिए आप एडिपिक अम्ल यूज करते हैं। अम्ल मतलब क्या होता है, एसिड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों कि अम्ल मतलब होता है एसिड, और एसिड जो स्वाद में खट्टा होता है। अगर मैं बात करूं चीटी में कौन सी एसिड होती है, तो आपका उत्तर होगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, ऐसे ही आपको और रोचक से रोचक जानकारी में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलिए बने रहिएगा एम विद रोहित चौहान चैनल पे, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पूरी आनंद तौर पे लीजिएगा। चलिए बात करते हैं पुष्प का रूपांतर ये प्राकुर का होता है, ये देखिए ये है जबरदस्त क्वेश्चन, ये नेत्रदान में नेत्र का कॉर्निया भाग को हम दान किया जाता है। ये देखिए नेत्र, जब कोई हम नेत्र दान करते हैं, हम पूरी आंख निकाल के दान नहीं करते हैं, उस नेत्र का कॉर्निया जो भाग होता है उसका दान किया जाता है। लोग कहते हैं मर जाऊंगा
तो पूरी आंख वो भाई हमें नेत्र दान कर दूंगा, ये इसका मतलब ये नहीं पूरी आंख निकाल कर फिट कर देंगे, ये नहीं, उसका जो कॉर्निया भाग होता है उसको मैं क्या करूंगा, दान कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं रबड़ को मजबूत उछाल बनाने के लिए हम सल्फर यूज करते हैं। दोस्तों ये पिछली बार पेपर में कई बार आया हुआ है, तो इस चीज को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, जैसे चाणक्य थे ना ये, उन्होंने गांठ बांध ली थी। तो इन जो मुख्य जो पॉइंट आपको लगते हो, एक कॉपी पेंसिल लीजिएगा, उसको आप लिखना चालू कर दीजिएगा, ये है ना भैया, रटंत विद्या फलंत नहीं है। आप कितनी चीज आप रट लीजिए आप भूल जाएंगे, आप वही चीज आप लिखते रहेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो आप कॉपी पेंसिल लीजिए बढ़िया सी, और उसको आप एक पॉइंट बना के उसको आप लिखते रहिए, वीडियो को बार बार देखिए, आपको रट जाएगी, याद हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना। बात कर लेते हैं कार्बन। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप होता है हीरा। हीरा मतलब होता है डायमंड, जो सबसे हार्ड होता है, ठीक है, और ये कार्बन का ही क्रिस्टल रूप होता है। बात कर लेते हैं ज़ाराबिक 7। ये एक कृत्रिम हृदय, कृत्रिम हृदय मतलब क्या होता है, आपका एक आर्टिफिशियल हार्ट होता है ये, ठीक है, जो मनुष्य द्वारा निर्मित एक हृदय होता है, उसका नाम है ज़ाराबिक 7। और देखिए मनुष्य के शरीर में 24 पसलियां होती हैं, पसलियां होती हैं, मतलब कि अगर मैं पसलियों की बात करूं, जो सामने जो आपकी जो जो छाती होती है 12 इधर होते हैं, मतलब कि मैं आपको थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, ये है ना, जैसे कि आपकी ये तो पसलियाँ आई है ना, तो 12 ऐसे इधर होंगी ये, और 12 ऐसे ये इधर होंगी ये, ठीक है, और यहीं पे क्या है आपका वो लंग्स होंगे, फेफड़े होंगे, और यहीं लंग्स के ठीक पीछे आपका हार्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच होता है, और इसी का अंडा सबसे बड़ा होता है। धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, बिल्कुल सही बात है ये, है ना भाई, ऐसा होता है, जो आपकी जो बिजली जो पास हो गई वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तरफ हो गई है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वसन दर सबसे कम कब होगी? ये देखिए निद्रा अवस्था में श्वसन दर, मतलब कि हमारी जो ब्रीदिंग रेट होगी वो सबसे कम होगी। एकाग्रता से ही विजय मिलती है, ठीक है, थोड़ा दिमाग को एक चित बनाइए और अच्छे से अच्छे मेहनत कीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी। अब बात कर लेते हैं आरडीएक्स। आरडीएस का पूर्ण रूप क्या होता है ये देखिए, ठीक है, तो आरडीएस का पूर्ण रूप होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, फिर से बता रहा हूं, आरडीएक्स कोई पूछ लेता होगा तो भाई आरडीएक्स, तो आप बोलेंगे रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। फिर देखिए रेयॉन संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है, ये एक आपका एक आर्टिफिशियल सिल्क होता है, इसको हम रेयॉन कहते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल मतलब अभी मैंने बताया था जो मनुष्य द्वारा क्या है कोई चीज बनाई जाए उसे हम आर्टिफिशियल कह देते हैं, जैसे अभी मैंने आर्टिफिशियल हार्ट बताया था ये, तो ऐसे ही आपके आर्टिफिशियल ये सिल्क है, इसका नाम होता है रेयॉन, ठीक है। और बात कर लेते हैं अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है क्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है, टियर गैस आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? क्लोरो एसिटोफिनोन है। बात कर लेते हैं मरकरी को लोहा धातु के पात्र में रखा जाता है, ठीक है, मरकरी जो एक लिक्विड फॉर्म में होती है, हमारे जितने भी धातु होते हैं मतलब मेटल्स होते हैं वो सब सॉलिड फॉर्म में होते हैं, पर मरकरी जो होता है वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, एक एक जो आपका जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसे मरकरी यूज किया जाता है, ठीक है। बात कर लेते हैं बेंजीन, जो एक ड्राई क्लीनिंग में यूज किया जाता है, बिल्कुल आप जब कोट आप धुलवाने जाते हैं तो ड्राई क्लीन करता है, उसमें बेंजीन का यूज किया जाता है। विटामिन बी12 के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है,
विटामिन B12 बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब बात कर लेते हैं अम्ल वर्षा, फिर से वही चीज आ गई यहाँ पे, है ना। अम्ल वर्षा का जो मुख्य अवयव होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अभी मैंने बताया था अम्ल वर्षा के कारण हमारा ताजमहल है वो खराब हो रहा है, ठीक है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और ये कौन सा था वो नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, इन दोनों के मिलने से क्या है आपकी एसिड रेन होती है। बात कर लेते हैं सोडियम को कैरोसिन में डुबा के रखा जाता है, सोडियम को हम खुले में नहीं रख सकते हैं, सोडियम अगर पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो वो ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए सोडियम धातु को हम कैरोसिन में डुबो के रखते हैं। बात कर लेते हैं कैरोटीन, कैरोटीन मुख्य भाग विटामिन ए का है। अभी मैंने बताया था गाय का जो दूध है उसका पीला कलर ये कैरोटीन की वजह से ही होता है। कर्म करने में अधिकार है फल में नहीं, आप कर्म करिए अधिकार तो ऑलरेडी मिल जाएगा ये, ठीक है, और तभी आपको फल भी मिलेगा, कर्म करते रहिए, ठीक है। हृदय रोगी को ज्यादा मात्रा में वसा नहीं लेना चाहिए। देखिए हार्ट जो पेशेंट्स होते हैं जितने भी हार्ट रिलेटेड मतलब के कार्डियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर देखता है, एक आपका कार्डियोग्राम होता है, कार्डियोग्राफर होता है ना, वो उस चीज का आपका हार्ट रेट को क्या है वो मेंशन करता है। बात कर लेते हैं माचिस की तीली क्या है, वो लाल फॉस्फोरस में यूज की जाती है, लाल फॉस्फोरस में बनाई जाती है। बात कर लेते हैं कॉटस जो कैल्शियम सिलिकेट से बनाया जाता है। प्रकाश का आवर्तन के कारण गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई होती प्रतीत होती है, अरे छोड़ो। बात कर लेते कोशिका का विभाजन के समय गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देता है, जब आपका सेल डिवीजन होता है तो उसका जो गुणसूत्र जो होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो स्पष्ट दिखाई देता है। बात कर लेते हैं विश्व वन जीव कोष की स्थापना कब हुई, ये 1973 में हुई, ठीक है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। अब बात कर लेते हैं जैसे महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध कब हुआ, ये 1576 में हुआ, 76 ईस्वी में हुआ ये, ठीक है, 1576 में ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है। आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी बीच से ये, इसलिए इन चीजों को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं सूर्यास्त के समय सूर्य प्रकाश का प्रकीर्ण के कारण लाल दिखाई देता है। कोई कहता है कि भैया सूर्य सुबह के टाइम लाल क्यों दिखाई देता है, ये प्रकीर्ण के कारण लाल दिखाई देता है, ठीक है। जीवाणु की खोज किसने की थी, लुईन हॉक ने की थी। भोपाल गैस की जो दुर्घटना हुई थी मिसाइल आइसोसाइनेट रिसाव के कारण हुई थी, फिर से बता रहा हूँ आपका भोपाल गैस की दुर्घटना जो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण हुई, इसमें काफी लोग इसमें मारे गए थे। फिर बात कर लेते हैं विटामिन B3 की कमी से क्या है, बाल आपके सफेद हो जाते हैं और बढ़ते हैं, आज वीडियो चला के रहेंगे पूरा। बात कर लेते हैं पेट्रोल एक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, ठीक। विटामिन B12 विटामिन कोबाल्ट में पाया जाता है, मतलब विटामिन जो B12 है ये कोबाल्ट में पाया जाता है, विटामिन दो बार हो गया, आई एम सॉरी फॉर दिस वन, ठीक है, इसको याद है, मतलब विटामिन जो B12 होता है कोबाल्ट में पाया जाता है, ये इसको यहाँ से हटा दीजिएगा। चलिए प्रेशर कुकर में सब्जियां बहुत जल्दी पक जाती, क्यों, उसमें दाब बढ़ जाता है और कथरांक भी बढ़ जाएगा, या हल्दी का जो खाने का योग होता है उसे प्रकंद की खाया जाता है, ठीक है। कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा क्या शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सोडा वाटर बनाने के लिए गैस कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है। देखिए सोडा वाटर अगर हम बनाएंगे तो हम CO2 गैस इस्तेमाल करेंगे, CO2 मतलब होती है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर बात कर लेते हैं राष्ट्रीय प्रशासनिक रासायनिक प्रयोगशाला ये कहाँ पर है, पुणे में है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पर है, संस्थान लखनऊ में है, ठीक है, औषधीय अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। बात कर लेते हैं आपातकालीन ग्रंथि कौन सी होती है, एंड्रिनल ग्रंथि होती है। मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है, पीयूष ग्रंथि होती है।
आपके ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं, कहाँ पर होती है? ब्रेन में होती है। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? आपका सेरेबेलम होता है। ठीक है, एड्स रोग का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा किया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। इसका जो वायरस होता है HIV कहते हैं, ह्यूमन इम्यून वायरस कहते हैं ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य ही सफलता का बुनियाद है। लगे रहिएगा, बने रहिएगा एम विद रोहित चौहान चैनल पे। स्पेशल वीडियो है दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटेनियम है। अक्रिय गैस की खोज किसने की? रावण मैने ने की। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा, अम्ल वर्षा, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्विक रिकैप है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बार बार पढ़िए, क्यों नहीं आपको याद होगा ये, है ना। तो अम्ल वर्षा किस लिए होती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है। ATP माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लीवर भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित होता है। हवाई जहाज में यात्रा करते हुए पेन की स्याही क्यों निकलने लग जाती है? क्योंकि इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कमी हो जाती है। आतिशबाजी में हरा रंग बैरियम के कारण होता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल अधिक हो जाता है तो दाब उसका कम हो जाता है। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन। सूर्य किससे बना है? हाइड्रोजन से बना है। ठीक है, मलेरिया को नष्ट करने के लिए कौन सी दवाई होती है? क्लोरोक्वीन होती है। कोरोना के लिए कौन सी होती है? कोरोनिल भी होती है और क्लोरोक्वीन भी दवाई दी जाती है। क्लोरोक्वीन ज्यादा बेस्ट बना है बताई गई। लेजर की खोज किसने की थी? मैंने की थी। पत्थर की कठोरता को किस में नापते हैं? मोह में नापते हैं। DDT का पूर्ण रूप क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरो इथेन कहते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम होती है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक आधारित होता है। बिल्कुल सही बात है ये, है ना। कोई भी आपका मेंडेलिव पीरियड जो होता है उसमें परमाणु क्रमांक बताए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन का नंबर 1 है। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन और मरकरी वेपर का यूज किया जाता है। ठीक है, आपके जो साधारण वाल्व होते हैं उसमें टंगस्टन के साथ आर्गन गैस मिलाई जाती है। स्वस्थ मनुष्य के लिए तापमान कितना फ़ारेनहाइट होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। डिग्री सेल्सियस कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर मैं केल्विन की बात करूँ कितना होगा? 313 केल्विन होगा ये। ठीक है, 313 केल्विन बोल दीजिएगा। फटाफट वीडियो समाप्त करनी है, मैं सोच रहा कोई रिकैप लगा दूं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा ये, है ना। जल का शुद्धिकरण किसके होता है? क्लोरीन के द्वारा होता है। रुधिर परीक्षण किसने खोज की थी? विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है, प्रचंड वायु में पहाड़ विचलित नहीं होते, इसलिए खड़े रहिए पहाड़ की तरह, ये वायु आई है चली भी जाएगी। नायलॉन जो होता है इसमें एपिडिक अम्ल हम इसको यूज करते हैं। वीडियो अब अंतिम ओर जारी है, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा ये। ठीक है, पुष्प का रूपांतरण ये प्राकुण का होता है। नेत्र दान में हम कोरोनिया भागम दान करते हैं। रबड़ को मजबूत करने के लिए हम उसे सल्फर मिलाया जाता है ये। ठीक, कार्बन का क्रिस्टल रूप हीरा होता है। कृत्रिम हृदय जराबिक सेवन होता है। मनुष्य के शरीर में 24 पसलियां होती हैं। सबसे ज्यादा दिनों तक जीवन रहने वाला पक्षी कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? ऑस्ट्रिच को होता है। विद्युत तार में जो धारा प्रवाह होती है इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। सही बात है, इसमें जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम जाते हैं। बात करें श्वसन दर सबसे कम निद्रा अवस्था में, बिल्कुल सही है। संकल्प ही मनुष्य का बल है, संकल्प बना कर रखिए और मेहनत करिए। बात कर लेते हैं RDX, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव कहते हैं। रेयन जो होता है आपके एक कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है, मतलब आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना जाता है। अश्रु गैस का होता है क्लोरो एसीटोफिनोन कहते हैं। मरकरी को लोहा के पात्र में रखा जाता है। ठीक है, मरकरी जो क्लिनिकल थर्मोमीटर में यूज की जाती है जस्ट फॉर द मेजरिंग द टेम्परेचर। ये नेक्स्ट बात कर लेते हैं ड्राई क्लीन, ये बेंजीन के द्वारा ये यूज की जाती है। फिर बात कर लेते हैं विटामिन B12, ये जली विरण द्वारा रंग गुलाबी हो जाता है। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव होता है सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब की H2SO4। सोडियम धातु को कैरोसिन में रखा जाता है। सही बात है, सोडियम अगर पानी से रिएक्ट होगा तो धमाका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्रोटीन का मुख्य भाग होता है विटामिन ए। ठीक है, हृदय रोगी को ज्यादा वसा लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो बिल्कुल लास्ट पे जा रहा है दोस्तों, इसकी मत कीजिएगा, मजा आएगा।
बात कर लेते हैं माचिस की तीली, लाल फॉस्फोरस का प्रयोग किया जाता है। कॉटेज कैल्शियम सिलिकेट से बना जाता है। प्रकाश का आवर्तन के कारण, गुरु धर्म के कारण, पानी से भरे बर्तन ही छोड़ो, उसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये है ना। कोशिका विभाजन के समय गुरु सूत्र स्पष्ट दिखाई देता है। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई? 1973 में हुई। बात कर लेते हैं मास्टर ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपके ब्रेन में पाई जाती है। सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकीर्ण कारण लाल दिखाई देता है, ठीक है। जीवाणु की खोज किसने की थी? लुइन हॉक ने की थी। भोपाल गैस में दुर्घटना आइसोसाइनेट गैस की वजह से हुई थी। विटामिन B3 की वजह से क्या होता है? बाल आपके हो जाएंगे सफेद। और बने रहिएगा एम विद रोहित चौहान चैनल के साथ। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। उसके साथ साथ कार ही सफलता की बुनियाद है। मिलते हैं अगले वीडियो में एम विद रोहित चौहान चैनल। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और आप जरूर कीजिएगा दोस्तों। और इसी के साथ साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, मिलते हैं।